न्यूज साझी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रश्मि पांडे। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज साझी एक्सप्रेस। झांसी जनपद में 12 मार्च के बाद विदेश से कुल 62 लोग आए, जिनका क्वारंटाइन का समय पूरा हो चुका है। इसके अलावा लगभग 21,000 लोग विभिन्न राज्यों से लॉकडाउन के दौरान झांसी वापस लौटे। हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान ये जानकारी सामने आई है और इन सबको प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। मंगलवार को झांसी डीएम आंद्रा वामसी ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी के लिए ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे का मकसद ये है कि किन लोगों पर प्रशासन को नजर रखना है और किन लोगों पर नजर नहीं रखना है। इस सर्वे में कोटेदार, प्रधान, किसान सहायक, चौकीदार, शिक्षकों आदि का सहयोग लिया गया था। ओके, तो जनपद झांसी में हमारे कम से कम लगभग 12 नगर निकाय हैं और 8 ब्लॉक्स हैं और 496 गांव पंचायत हैं। इसके साथ साथ नगर निगम में 60 वार्ड्स हैं और 2 कंटोनमेंट्स हैं और एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक रेलवेज़ की जो कॉलोनीज हैं और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या परीक्षा थर्मल पावर प्लांट की या डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की या BHEL की टाउनशिप से, ये सारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे आबादी इलाके हैं, उन सारे इलाकों पर एक विशेष अभियान चला के डोर टू डोर मैपिंग का जो अभियान किया गया था, जिसमें जो 20 लाख की जो आबादी के सापेक्ष हमें मार्च 12 से जो भी विदेश से झांसी जनपद के अंदर आए थे, लगभग 62 लोग ऐसे थे जिन लोगों को हमने चिन्हित करके वहाँ पे मेडिकल टीम्स भेज के वहाँ पे एक क्वारंटाइन स्टिकर रखा था। वो क्वारंटाइन की अवधि भी पूरी हो गई, मतलब एक तरफ से इन लोगों को सुचारू रूप से हमने अपने सर्विलांस में रखा था, जो टेक्निकली बात करें कि सर्विलांस पे है। और वैसे 21,000 जो जनता है जो झांसी जनपद के अंदर भी आए थे हमारे देश में विभिन्न प्रांतों से, जिनको भी हमने मेडिकल टीम्स के माध्यम से, 4 हमारे ब्लॉक में है और 6 हमारे नगर निगम में है, यहाँ से हम लोग इनकी जगह को मॉनिटरिंग करके ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन बाहर से आए, कौन विदेश से आए। ये सारे हमारे सर्वे जो भी होना था हाउस टू हाउस मैपिंग का, वो सर्वे पूरा हो गया है। दूसरी लॉकडाउन की अवधि में भी इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेष नज़र रख लिया जाएगा। ये बेसिकली सर्वे बाय एक्सेप्शन, मतलब हमें सर्वे करना उन्हीं लोगों का जो बाहर से आए हैं, ताकि हमें वास्तविकता पता चले कि किन पे हमें नज़र रखना है, किन पे हमें नज़र नहीं रखना है, जो सर्विलांस रिपोर्ट में हमको पता चलता है। इसमें हमारे गाँव के जितने भी जो वर्कर्स है, जैसे हमारा पंचायत अधिकारी है, विकास अधिकारी है, चौकीदार है, डायल 112 है, कोटेदार है, प्रधान है, और हमारे जो किसान सहायक हैं, आशा, ANM, आंगनवाड़ी, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी जो टीचर्स हैं, इन सब लोगों का सहयोग लिया गया था। और साथ में जितने भी यहाँ पे जो स्वयं सेवा संस्थाएं हैं, जो व्यापार मंडल है, धर्म संगठन है, हमारे जो पत्रकारों के जो बीट रिपोर्टर्स हैं, इन सभी लोगों के माध्यम से ये सूचना इकट्ठा किया गया था। ये सूचना दूसरे लॉकडाउन की अवधि पे भी फिर एक और बार अभियान चला के यहाँ पे हम हाउस टू हाउस मैपिंग करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट एक अप्रॉक्सीमेट फिगर पता चल जाए जिसपे हमें नज़र रखना है और किन गांवों पे हमें ज़्यादा नज़र रखना है और किन मोहल्लों पे हमें ज़्यादा नज़र रखना है। अभी तक यहाँ पे तो कोई एक केस नहीं निकला था, लेकिन हम अपना अभियान पे यही कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसे छूट ना दिया जाए जहाँ पे कोई सस्पेक्ट हमें मिले इधर। अगर वो सस्पेक्ट मिल गया, तुरंत उनकी सैम्पलिंग किया जाए, उनके टेस्ट रिजल्ट पे उनको मॉनिटर करके कंटेन किया जाए। लगभग प्रतिदिन झांसी लैब के माध्यम से 100 सैंपल्स का तो टेस्टिंग हो रहा था, 100 से लेके 140 के बीच में, जो झांसी जनपद के अंतर्गत कम से कम 40 सैंपल्स का टेस्टिंग हो रहा था। और ये जो लोग जो बाहर आए थे, उनके गांव को चिन्हित करके उसके हिसाब से प्रति गांव में 2 सैंपल की जो हम लोग सैंपल लेके टेस्टिंग करने का एक व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दिया था। लगभग जब से लैब यहाँ पे चालू हुआ था और लैब चलना शुरू हुआ था, 120 से लेके 140 के एवरेज जो चल रहा था।